झनक फिल्म डोली सोही का 48 साल की उम्र में हुआ निधन। सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस। डोली सोही के परिवार और टीवी इंडस्ट्री में पसरा मातम इस बुरी खबर को सुनने के बाद एक्ट्रेस के फैंस का दिल टूट गया है। बता दें कि टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झनक और कुमकुम भाग्य जैसे शोज से टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस डोली सोही ने कैंसर जैसी बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद आज सुबह अपनी आखिरी सांस ली है। डोली सोही के फैमिली ने न्यूज पोर्टल ई टाइम्स के साथ अपनी बेटी के निधन की जानकारी शेयर करते हुए एक बयान शेयर किया है। उन्होंने लिखा, हमारी बेटी डोली का आज सुबह निधन हो गया है। हम उनके अचानक यूं चले जाने से पूरी तरह से सदमे में हैं। आज दिन में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि भाभी, कलश, देवों के देव, महादेव जैसे शोज करने वाली एक्ट्रेस डोली सोही पिछले काफी समय से सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उनका परिवार पहली बेटी अमनदीप सोही के निधन से अभी उबर भी नहीं पाया था कि अचानक उनकी दूसरी बेटी के चले जाने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। डोली सोही के भाई ने बताया कि एक दिन पहले ही एक्ट्रेस की छोटी बहन अमनदीप सोही ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, उन्हें पीलिया था। आपको बता दें कि डोली की तरह उनकी छोटी बहन भी एक्ट्रेस थी। दोनों ही बहनों ने एक्टिंग के दम पर टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अमनदीप के जाने का गम अभी फैंस भुला भी नहीं पाए थे कि डोली के जाने की खबर आ गई, जिस वजह से फैंस और टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स सन पड़ गए हैं। इस दुख की घड़ी में हर कोई डोली सोही को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारी तरफ से भी डोली सोही को भावभीनी श्रद्धांजलि।